हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए आज क्या कुछ फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे, ये बैठक के बाद तस्वीरें क्लियर होंगी। लेकिन लगातार देखिए, मुलाकातों का दौर सीएम का जारी है, बैठकें जारी हैं। ऐसे में हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होगी। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कई अहम फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सीएम नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आम जनता के लिए ये बैठक कितनी फायदेमंद रहेगी? बिल्कुल छविश का, देखिए, कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर यह बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। जी। इस बैठक में हरियाणा प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कहीं ना कहीं ये निकल करके आ रही है, जो अग्निवीर हैं, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण हरियाणा पुलिस में दिए जाने को लेकर चर्चाएं जो हैं वो गर्म हैं, और कहीं ना कहीं ये फैसला, ये एजेंडा जो है इस बैठक में शामिल हो सकता है। जी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो है इस कैबिनेट की बैठक के बाद हो सकती है, मानसून सत्र बुलाए जाने की तारीखों का ऐलान इस बैठक के बाद जो है वो हो सकता है। मानसून सत्र अगस्त के महीने में जो है वो बुलाया जा सकता है। पहले अगस्त के पहले हफ्ते में मानसून सत्र बुलाए जाने को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ अनेक ऐसे एजेंडे हैं जो प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगी। उन तमाम एजेंडों पर आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कर्मचारियों के लिए भी कहीं ना कहीं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी जाए, इस प्रकार का भी एजेंडा इस बैठक में शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर भी कहीं ना कहीं घोषणा जो है वो की जा सकती है, वो चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है। साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी कोई ना कोई चर्चा जो है इस बैठक में संभव जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा एक दर्जन के आसपास एजेंडे जो हैं वो बैठक में रहने वाले हैं, और देखना होगा किन एजेंडों पर आज की इस बैठक में चर्चा की जाती है, कितने एजेंडे जो हैं आज की इस बैठक में उन एजेंडों पर मोहर लगती है, और कितने एजेंडे अगली बैठक के लिए डेफर किए जाते हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से अब कैबिनेट की बैठक हो रही है, अहम इसको माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। ऐसे में अगर सरकार जनता के हित में फैसले लेती है तो कहीं ना कहीं वो भी लुभाने वाले जरूर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है विधानसभा चुनावों को लेकर भी बात की जाए तो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी सीएम की तरफ से जारी है। बिल्कुल छविश का, देखिए, जो विधानसभा चुनाव हैं तो उसको जोड़कर कैबिनेट को जरूर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फैसले जो है सरकार ले सकती है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिल सके, तो उसको देखकर, उसको जोड़कर तमाम चीजें जरूर देखी जा रही है। इसके अलावा अलग बैक टू बैक बैठकें विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार कर रही है, संगठन के तौर पर भी, और मुख्यमंत्री भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस बैठक को भी जरूर देखा जा रहा है, और तमाम फैसले प्रदेश की गति को आगे बढ़ाएं, या फिर यूं कह लीजिए चुनाव से पहले जो बड़ी घोषणाएं हैं जो तमाम पार्टियां जब भी चुनाव होता है उससे पहले करती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम एजेंडे जो है आज की बैठक में शामिल हो सकते हैं। उन एजेंडों से कितना फायदा होता है विधानसभा चुनाव में, ये तमाम चीजें तो बाद में क्लियर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज की ये बैठक जो है, अनेक ऐसे एजेंडे जो है इस बैठक में शामिल हैं जो सीधे आम लोगों के हितों के होंगे और प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाले होंगे। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार कैबिनेट की, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, इससे पहले भी कई बैठकें सीएम लगातार कर चुके हैं और काफी अहम इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है।